कंडा घाट शहरवासियों के लिए खुशी की खबर है क्योंकि अब घरेलू गैस की आपूर्ति उनके घर पर ही की जाएगी। ये जानकारी कंडा घाट भाजपा नेता मनीष सूद ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि पहले ये सुविधा कंडा घाट वासियों को नहीं मिलती थी और उन्हें गैस के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, जहां एक ओर उन्हें गैस सिलेंडर घर ले जाने के लिए भारी मेहनताना मजदूरों को देना पड़ता था, वहीं समय की बर्बादी अलग से होती थी। कंडा घाट वासियों की काफी समय से मांग थी कि गैस एजेंसी संचालक गैस सिलेंडरों को उनके घरों तक छोड़े ताकि उन्हें गैस के लिए कोई असुविधा न उठानी पड़े। अब उपायुक्त सोलन ने इस बारे में गैस एजेंसी को आदेश जारी किए हैं कि वे सिलेंडरों की डिलीवरी उपभोक्ताओं के घर द्वार तक देंगे। भाजपा नेता मनीष सूद ने कहा कि कंडा घाट के सातों वार्डों में गैस की डिलीवरी घर द्वार तक नहीं होती थी, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। वार्ड वासियों की काफी समय से मांग थी कि गैस की डिलीवरी नियमानुसार घर तक होनी चाहिए। इस मांग को भाजपा द्वारा प्रमुखता से उठाया गया, जिसकी वजह से अब वार्डवासियों की मांग पर उपायुक्त तोलन ने गैस एजेंसी को ये आदेश दिए हैं कि वे गैस वार्डवासियों के घरों तक पहुंचाए। इस आदेश से शहरवासी बेहद खुश हैं। प्रदेश सरकार द्वारा और खाद्य आपूर्ति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा नगर पंचायत कंडा घाट के निवासियों को एक बहुत बड़ी सुविधा से जोड़ा गया है, जिसका की मांग इस इलाके की जनता की बहुत लंबे समय से एक मांग थी कि नगर पंचायत कंडा घाट के एरिया को गैस की होम डिलीवरी, एलपीजी गैस, घरेलू गैस जो है उसकी होम डिलीवरी से इस क्षेत्र को जोड़ा जाए। पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में भारी जनसंख्या जो बढ़ी, उस वजह से जो है होम जो ये घरेलू गैस है उसकी आपूर्ति में कुछ खामियां काफ़ी समय से आ रही थी, जिस वजह से लोगों को घंटों लाइन में लगकर सिलेंडर लेना पड़ता था। कई कई दिन, कई क्षेत्र तो ऐसे थे जहां एक एक दो दो दिन के लिए लोगों को गैस एजेंसी में फ़ोन करना पड़ता था। हालांकि विभाग जो है पूरी तरह से काम कर रहा था अपना, परंतु बढ़ती जनसंख्या की वजह से ये जो है सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही थी। गत 26 जनवरी को हमारे माननीय मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी, जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, उनका सोलन दौरा था, जिस दौरान हम उनसे मिले थे और उनसे आग्रह किया था। उनसे पहले भी इस विषय में हमने बात की थी और उन्होंने निर्देश दिए थे विभाग को अपने। तो 26 जनवरी को हम दोबारा जब उनसे मिले तो उन्होंने तुरंत निर्देश दिए कि इसे जो है 10 से 15 दिन के भीतर इस सुविधा को यहाँ नगर पंचायत कंडा घाट की क्षेत्र से जोड़ा जाए। आज हम उनका आभार प्रकट करते हैं। आज ये नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। माननीय जिलाधीश महोदय सोलन के द्वारा गैस के मूल्य निर्धारित किए हैं सातों वार्डों के, नगर पंचायत कंडा घाट के, और अब ये जो सुविधा है ये हमारे सभी 7 वार्डों में उपलब्ध होगी। मेरा सभी क्षेत्र के निवासियों से ये अनुरोध है कि वह इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपना पंजीकृत जो नंबर है वो गैस एजेंसी के पास जाकर रजिस्टर करवाएं कंडा घाट की। उसके उपरांत जो है केवल उन्हें एक फ़ोन कॉल करने पर ही जो है ये सिलेंडर की सुविधा जो है घर पर मिलेगी। उन्हें कहीं भी लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए कोई भी अतिरिक्त चार्ज किसी को भी देना नहीं होगा गैस डिलीवरी का।